चलिए आज बनाते हैं घर में झटपट और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार से भी ज्यादा टेस्टी फलों से बनने वाला एक ऐसा ड्रिंक जिसे सभी जानते हैं, जिसका नाम है फ्रूटी। ये 300 ग्राम का हमने लिया है एक पका आम, और इससे जस्ट हाफ क्वांटिटी का लेंगे हम एक कच्चा आम, क्योंकि फ्रूटी में थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, तो ये दोनों आमों को मिला के बनाएंगे। इसके लिए पहले इसको पील ऑफ करेंगे, हम इसको छीलेंगे पहले। देखिए हमने इसका छिलका उतार लिया है, इसको भी छील लेते हैं। पहले इसका गूदा अलग कर लेते हैं काट के, क्योंकि ये हमें बॉइल करना है, तो किसी भी मोटे पतले पीसों में काट सकते हैं हम, रफली भी चॉप कर सकते हैं। इस तरह से सारा गूदा काट के अलग कर लेंगे, इसको सारे पल्प को इससे अलग कर लेंगे। अब ये लेंगे आम कच्चा, हाँ ये गुठली को हम अलग कर देंगे इसमें से। देखिए इस तरह से ये हमने सारा पल्प अलग कर लिया दोनों आमों का। सबसे पहले इसके लिए लेंगे एक पैन लेना है हमें, थोड़ा गहरा बर्तन लेना है, और गैस ऑन करते हैं। इसमें डालेंगे हम एक कप पानी, सारे आम डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा पानी और डालते हैं, और इसे हाई फ्लेम पर उबलने देते हैं 5 मिनट। ज़रा ढक देते हैं इसे, ढक के इसे 5 मिनट उबालते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने आमों को देखते हैं। देखिए हम आम को निकाल के देखते हैं, अगर ये चम्मच से अच्छे से मैश हो रहे हैं तो समझिए हमारा आम बॉइल्ड हो चुके हैं, ये उबल गया, सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब इसमें डालेंगे हम ये चीनी, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम, करीब 1/2 लीटर, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे फिर ढक देते हैं और उबलने देते हैं जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। देखिए चेक करते हैं इसकी चीनी मेल्ट हो गई होगी, 2 मिनट हो चुके हैं, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम ये 1 चम्मच नींबू का रस, और छोटी चम्मच लेना है बस हमें, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाती है। ये आप इसकी जगह विनेगर भी ले सकते हैं, और इसको कर देते हैं हम गैस को ऑफ, और इसको हम अगला प्रोसेस करते हैं, इसको स्टेन करेंगे गूदे को। चलिए अब इसको स्टेन कर लेते हैं, सारा हम गूदा इसमें डालेंगे, पानी नीचे आ जाएगा, इस पानी को फेंकना नहीं है, इसी में फ्रूटी बनाएंगे हम। इसके लिए लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ये जो पल्प निकला है इसको हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में, और ठंडा होने देंगे थोड़ा थोड़ा, ठंडा होने के बाद ही पीसना है हमें। पल्प हमारा ठंडा हो गया, अब इसको ग्राइंड करते हैं हम। हाँ देखिए हमने ये पल्प को पीस लिया है, अब हम इसको उसी स्टेनर में लेंगे और इसको छानेंगे हम। अब इसको स्टेनर से स्टेन कर लेंगे, छलनी से छान लेंगे इसको, क्योंकि जो भी धागा छूछ वगैरह होगी वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमें एकदम बाजार जैसी फ्रूटी बनानी है, तो एकदम चिकनी स्मूथ आएगी वो। देखिए सारा पल्प हमारा निकल आया है इस तरह से, थोड़ा सा हल्की सी छूछ वगैरह जो रह जाती है वो ऊपर आ जाती है, इसीलिए छानना ज़रूरी है। अब इसे अलग कर लेंगे और पानी मिलाएंगे। देखिए हमारा ये मैंगो पल्प छन के बिल्कुल तैयार है, अब हम उसमें वाला पानी मिलाएंगे जो हमने इसको छान के निकाला था, मीठा वाला पानी, इसको भी एक बार छान लेंगे हम। इस तरह से छान लिया हमने ये, और इसको मिक्स करेंगे। देखिए इसमें अभी पल्प के लम्स हैं, ठंडा हो चुका है, अब इसको हम मिक्सी के जार में एक बार ग्राइंड करेंगे बड़े जार में। इसके लिए लेंगे एक जार, और इसमें ये सारा ये पल्प वाला पानी हम डालेंगे इसमें। देखिए इसको हम मिक्स करते हैं मिक्सी में। देखिए हमने आम के पानी को जो निकला हुआ था मीठा, और पल्प को तैयार करके पीस लिया है, और इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा पानी और मिक्स कर सकते हैं अगर थोड़ा डाइल्यूट करना है, लेकिन देखिए बिल्कुल बाजार वाली फ्रूटी का टेक्सचर आया है, इतना ही गाढ़ा होता है वो। एक इसे हम जार में ट्रांसफर करते हैं, देखिए वही फ्रूटी वाला बिल्कुल कलर है। देखिए 1 से 1.5 लीटर करीब बन जाती है ये 300-400 ग्राम आम में,